कौन सा दोस्तों पर्वत है जिसके यानी कि चांद के करीब पहुंचे हुए हैं। कौन सा एक जगह जहां पर आप टावर भी हिला दें तो नेटवर्क नहीं आएगा। जो कि सबसे खारा पानी समुद्र का कौन सा है। वीडियो के अंत में आपको सारे के सारे आंसर यानी कि जवाब मिलेगा। कौन ऐसा एक ऐसा जोंग की पर्वत है जो कि चांद के करीब वहां रहता है, यानी कि आप लोग कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़े पर्वत है, लंबे पर्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कि एक दूसरा पर्वत है जो कि उसको कहा जाता है कि वह चांद के करीब रहता है, उसका नाम आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, उसका नाम है माउंट चिम्बोराजो। जो माउंट चिम्बोराजो है वह माउंट एवरेस्ट से भी बड़े, यानी कि वह चांद के करीब रहता है। कौन एक ऐसा जगह है जहां पर आप कितना भी टावर टेक्नोलॉजी सेटेलाइट लगा दें लेकिन वहां पर नेटवर्क आता ही नहीं है। आप जानकर चौंक जाएंगे कौन ऐसा जगह है जहां पर इतना परिश्रम करने के बाद नेटवर्क नहीं आता है। आप कितना भी टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों ही ना कर दे लेकिन वह नहीं आता है, क्योंकि वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप लोग कहेंगे ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र पर होता है नेटवर्क आता है लेकिन यहाँ पर आता ही नहीं है। जी हाँ, यानी कि मैक्सिको कहा जाता है जोन ऑफ साइलेंस। मैक्सिको जोन ऑफ साइलेंस में एक ऐसा जगह है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है मैक्सिको, वहां पर नेटवर्क नहीं आता है। ऐसा सा एक ऐसा जगह है पृथ्वी पर वहां सबसे यानी कि वहां पर आज तक कोई देश नहीं बसा हुआ है। और क्यों नहीं बसा हुआ है आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा जगह है जहां पर देश ही नहीं बसा हुआ, कोई ना कोई जगह रहता है जहां पर देश बसता है। अंटार्कटिक, यानी कि अंटार्कटिक दुनिया का एक ऐसा जगह है जहां पर आज तक कोई देश नहीं बसा हुआ है। इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और कितना यह फैक्ट है, और देश बचने के भी संभावना नहीं है। दुनिया का सबसे यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कहां यानी कि कौन सा महासागर उसमें पानी पाया जाता है, क्या आप जानते हैं। जी हाँ, प्रशांत महासागर में यानी कि 46% वहाँ पानी पाया जाता है प्रशांत महासागर में। और अंटार्कटिक महासागर में 23.9 पाया जाता है परसेंट पाया जाता है। हिंद महासागर में 20.3 पाया जाता है परसेंट पाया जाता है पानी। और जो कि अंटार्कटिक में है 3.7 यानी कि 3.7% पानी पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है जिसमें अधिक मात्रा में खारा पानी। कितने व्यक्ति को पता नहीं होगा कि खारा पानी यानी कि अर्थ क्या हुआ। खारा पानी का अर्थ हुआ कि वो नमकीन यानी कि अधिक मात्रा में नमक होता है, उसे खारा पानी कहता है। वह सबसे अधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाया जाता है खारा पानी। लेकिन उससे कम जो खारा पानी होता है अंटार्कटिक, यानी कि कौन सा है अंटार्कटिक महासागर में प्रशांत महासागर के अपेक्षा कम पानी जो होता है खारा पानी वो अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। क्या पहले से पता था। कौन एक ऐसा जगह है जहां पर यानी कि आग के गोला बरसता था। बरसता भी है लेकिन कहें कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर आग के गोला बरसता हुआ देखे हुए हैं। जी वहां पर यानी कि चर्चा चला गया कि आग के गोला बरसते हैं, वहां पर जाकर मीडिया वाले ने रिकॉर्ड किया यानी कि अस्थायी निवासी व्यक्तियों से पूछा गया क्या यहां पर आग के गोला बरसता था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यानी कि मैक्सिको मैक्सिको जो रेगिस्तानीय क्षेत्र है जिसे कहा जाता है जोन ऑफ साइलेंस वहां पर रिकॉर्ड किया गया है कि आग के गोला बरसते हुए देखा हुए हैं। ऐसा मरुस्थल है जो कि वह बढ़ते रहता है। आप लोग कहें कोई ऐसा मरुस्थल नहीं होगा जो बढ़ते रहता है, लेकिन दुनिया का जितना भी मरुस्थल है वह कम बेस यानी कि बढ़ते घटते रहता है, लेकिन जो जितना बड़ा होगा उतना तो उसको बढ़ना घटना फैक्ट है। जी हाँ, जैसे कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान है, तो जौन व्यक्ति अधिक बड़ा है वह अधिक फैला हुआ रहेगा। जी हाँ, उसी प्रकार से सहारा रेगिस्तान है वह सबसे अधिक मात्रा में बढ़ता है, जो कि एक वर्ष के अंतर्गत 800 मीटर यानी कि 800 मीटर वहाँ बढ़ जाता है। एक ऐसा जगह है यानी कि देश है वह सबसे गहरे, जैसे कि यहाँ पर नेपाल है वह सबसे बड़े यानी कि ऊंचा स्थान है, उससे कम इंडिया है भारत है। यानी कि भारत में जितने आप अंदर चले जाइएगा वहाँ गहरे होता चला जाता है। लेकिन उसी प्रकार से कौन सा दुनिया का सबसे गहरे जगह में से कहे जाने वाले है, जो कि सबसे यानी कि वह 40% है जो सामान्य सामान्य जो कहा जाता है कि स्थल है सारे देश का, उससे 40% वो खाल में है। जी हाँ, हॉलैंड। हॉलैंड एक ऐसा जगह है जो कि सबसे एक ऐसा होटल है जो कि बर्फ यानी कि वहां पर बर्फ गिरने के कारण वह होटल पूर्ण रूप से उसको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर वगैरह में ऐसा होता नहीं है कि कोई यानी कि होटल पर बर्फ गिर गया तो प्रत्येक साल उसको यानी कि पूर्ण रूप से उसको रिपीट कराना है यानी कि रिपेयरिंग कराना है। लेकिन एक ऐसा है स्वीडन का जो एक होटल है जहां पर बर्फ गिरने के कारण यानी कि बहुत बड़े होटल है जिससे कि उन
नुकसान होता है, नुकसान हो करने के कारण उसे फिर से दोबारा से उसको बनाना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा महासागर है जो कि वहाँ बढ़ते रहता है, यानी कि साल एक साल के अंतर्गत वहाँ एक इंच को बढ़ ही जाना है। आप लोग एक इंच कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप चारों तरफ से एक इंच फैल रहे हैं तो आपको कितना यानी बहुत अधिक मात्रा में आप फैल जाएंगे। उसी प्रकार जो कि महासागर है यानी कि जो अंटार्कटिक महासागर है, एक इंच पूरे फैल जाता है एक वर्ष के अंतर्गत, जो कि प्रत्येक महासागर फैलता नहीं, अंटार्कटिक महासागर एक इंच फैल जाता है। अर्थ के सबसे बड़े यानी कि माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन दूसरा कौन ऐसा चोटी है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़े किसी समय के लिए यानी कि कोई छत पर चढ़ जा रहा है तो क्या उसे बड़े कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा उतना ही न कहेंगे। उसी प्रकार K2 एक ऐसा जो कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा पर्वत है, जो कि बरसात के समय उस पर पानी अधिक होने के कारण जम जाता है, और जमने के कारण जो कि माउंट एवरेस्ट से बड़े दिखने लगता है और बड़े हो भी जाता है, लेकिन हमेशा होता नहीं, इसीलिए वह उसे छोटा कहता है। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।